हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और नाउ वी आर गोइंग टू रीड लेसन 7 ऑफ क्लास 4th। व्हाट डज लिटिल बर्डी से, व्हाट डज यानी क्या लिटिल बर्डी से यानी होता है कहना, यानी छोटी सी चिड़िया क्या कहती है। एक छोटे से चिड़िया के बारे में यह पाठ दिया गया है। आइए पढ़ते हैं, लेट्स रीड द लेसन फर्स्ट। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ द डे। लेट मी फ्लाई, से लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। बर्डी, रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर till the little wings are stronger, so she rests a little longer, then she flies away. So it is a poem. एक poem है, आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। What does little birdie say? यानी क्या कहती है, what does little birdie say? ये नन्ही चिड़िया, छोटी चिड़िया आप देख रहे हैं ना, एक घोंसले के अंदर बैठी है और उसकी जो ये मदर बर्ड है वो यहाँ पर ट्विंग्स पर बैठी हुई है, टहनी पर बैठी हुई है। तो व्हाट डस लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट द पीप ऑफ द डे। इन हर नेस्ट, अपने घोंसले से, एट पीप ऑफ द डे यानी जब सूर्य उदित होता है, सुबह का समय होता है, भोर होता है, तो ये छोटी चिड़िया नन्ही परी जो है क्या कहती है, क्या कहती है, लेट मी फ्लाई से लिटिल बर्डी, क्या बोलती है, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। ये देखिए, मुझे उड़ने दो, लेट मी फ्लाई, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। तो चिड़िया बोलती है लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो, से द लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है। मदर, लेट मी फ्लाई अवे, माँ मुझे उड़ने दो, इस आकाश में उड़ने दो, बहुत दूर जाने दो, लेट मी फ्लाई अवे। बर्डी, रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, माँ बोलती है छोटी चिड़िया, रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, रेस्ट यानी आराम करना, लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ा और आराम करो, क्योंकि तुम अभी कैसी हो, छोटी हो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, कब तक आराम करो, टिल यानी तक, टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारी ये जो छोटी छोटी पंख जो है वो क्या हो जाए, और मजबूत हो जाए, आर स्ट्रॉन्गर, ये कंपरेटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होना, लॉन्ग यानी लंबा होना, तो लॉन्गर यानी थोड़े ज़्यादा देर के लिए, स्ट्रॉन्गर यानी और ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री, सुपरलेट फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। सो देयर कंपरेटिव डिग्री इज यूज, यहाँ पर जो है कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, मजबूत है अभी तुम्हारे पंख, लेकिन और मजबूत होने चाहिए। सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए जब उसकी माँ कहती है सी रेस्ट यानी वह आराम करती है, अ लिटिल लॉन्गर और कुछ दिनों के लिए, देन सी फ्लाइज अवे, और जब थोड़े दिन आराम करती है उसके बाद वो पक्षी जो है, वो चिड़िया जो है हमेशा उड़ते रहती है, सी फ्लाइज अवे, बहुत दूर तक उड़ती है, यानी अब वो बड़ी हो गई है और अपने पंखों के सारे कहीं कहीं भी जा आ सकती है। तो इस प्रकार ये लेसन खत्म होता है, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से। आइए इसके हम एक्सरसाइज करें। रीड एंड टेक करेक्ट द करेक्ट आंसर इन द पोयम। हु सेज मदर लेट मी फ्लाई अवे, इस पोयम में किसने कहा है, हु से किसने कहा, मदर लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ने दो, मदर बर्ड ने कहा, द किंग ऑफ बर्ड ने कहा, लिटिल बर्डी ने कहा, ऑल द बर्ड्स इन द नेस्ट किसने कहा,
सी लिटिल बर्डी ने कहा वेरी गुड. पीप ऑफ द डे मीन्स एट सनराइज एट सनसेट ड्यूरिंग नून ड्यूरिंग नाइट. तो पीप ऑफ डे ने क्या बताया था, एट सनराइज यानी सूर्य जो उगता है, सूर्योदय का जो समय होता है. डिड मदर बर्ड अलाउ बर्डी टू फ्लाई, क्या मदर बर्ड ने अलाउ किया, अनुमति दिया बर्डी को उड़ने का. यस नो अनसर्टेन, क्या बोला नो क्योंकि अभी उसको और आराम करने के लिए कहा. बर्डी वॉज आस्क्ड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज बर्डी को थोड़ा सा और आराम करने कहा गया. क्यों, सी डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई, वह उड़ना नहीं जानती थी. सी कुड नॉट फ्लाई अलोन, अकेले नहीं उड़ सकती थी. हर विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग येट, उसके पंख अभी मजबूत नहीं हुए थे. और मदर बर्ड कुड नॉट फ्लाई, जो मदर बर्ड थी वो नहीं उड़ सकती थी. तो क्या आएगा इसमें, इसमें भी आएगा सी. हर विंग्स वेयर नॉट स्ट्रॉन्ग येट, उसका जो उसके जो पंख थे वो अभी मजबूत नहीं थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट. देखिए द रेड काइट इज ब्लैंक देन द ब्लू काइट. मैंने डिग्री के बारे में अभी आप लोगों को बताया था, है ना. डिग्री में तीन डिग्री होते हैं, पॉजिटिव कंपरेटिव और सुपरलेटिव. तो पॉजिटिव में जो है पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे यह लाल है, यह पतंग कैसी है, लाल है. मान लो और इससे गाढ़ा लाल आ जाए तो उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा लाल आ जाए तो सबसे ज़्यादा लाल है. तो इस प्रकार जो है ये डिग्री के अंतर्गत आता है. अभी हम जो है इस पाठ में क्या पढ़े हैं, कंपरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक वाला, तुलना करने वाला. तो यहाँ पर देखते हैं द रेड काइट इज ब्लैंक देन द ब्लू काइट. बिग, अब बिग से संबंधित लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगर. द रेड काइट इज बिगर यानी रेड काइट जो है ये लाल रंग की जो पतंग है वो इस ब्लू काइट से कैसी है, बड़ी है. इसलिए हम क्या बोलेंगे, बिगर बोलेंगे. मान लो यहाँ पर एक छोटी पतंग हम ला दें तो क्या हो जाएगा, ये बिगेस्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी है. द ब्लू काइट इज स्मॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू काइट इज स्मॉलर देन द रेड काइट यानी वह उससे छोटी है. द विंग्स ऑफ अ हॉक आर ब्लैंक देन विंग्स ऑफ अ डक. स्ट्रॉन्ग, तो इसमें क्या होगा भाई, हॉक यानी जो चील होता है उसके जो पंख होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गर. द विंग्स ऑफ हॉक आर स्ट्रॉन्गर देन द विंग्स ऑफ अ डक. अ मैट्रेस इज ब्लैंक देन अ मैट, दिया हुआ सॉफ्ट एडजेक्टिव. तो मैट्रेस यानी गद्दा कैसा होता है, मैट की अपेक्षा, चटाई की अपेक्षा कोमल होता है, ज़्यादा कोमल होता है. क्या बोलेंगे इसको, सॉफ्टर. क्या बोलेंगे, सॉफ्टर. अ काक्रोच इज ब्लैंक देन एन एंट, देखो ये एंट है यहाँ पे, काक्रोच है, तो कौन सा बड़ा है, काक्रोच बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लार्जर. ज़्यादा बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लार्जर. सबसे बड़ा रहेगा लार्जेस्ट. ठीक है, तो इस प्रकार की कंपरेटिव डिग्री का उपयोग भी हम इस पाठ से सीखते हैं. यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक जिन साथियों ने हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल. धन्यवाद.